अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके हमारे अपने चैनल SKM 91 न्यूज़ पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर AIMIM MLC जनाब मिर्जा रहमत बेग कादरी साहब ने जनाब जफर खान साहब कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली के साथ कल रात 11 बजे बेगम बाजार का दौरा किया। बारिश के सबब रिहायशियों के तकलीफात की तफसील हासिल करने के लिए रिहायशी लोगों से मुलाकात की और अवामी शिकायत सुनते हुए वहां का मुआयना किया और उनके परेशानियों को हल किया। एक मकान मुसलसल बारिश की वजह से मुनद्दम हो गया था, यहां से तफसीली रिपोर्ट लेकर सदर मजलिस को पेश की गई। आइए सुनते हैं इसके मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे जाफर की ये खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और खास खबर के लिए आपके अपने न्यूज चैनल SKM 91 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आज सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं तकरीबन रात के 10:30 हो रहे हैं हल्के असम्बली खुर्शा महल के बेगम बाज़ार में मैं यहाँ पर आया हूँ। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ के रहने वाले घनश्याम भाई ने सदर मोहतरम से बात की है कि कल रात को ये बिल्डिंग गिर गई हुई है, अंदर का मलबा पूरा गिर गया और मुझे सदर मोहतरम में फौरी जाए दिए कि आप जाइए और जाकर मैना करके बल्दिया के अहदेदारों से बात करूँ बोले और मैं और हमारे कॉरपोरेटर जनाब जफर खान साहब यहाँ पर आए आकर पूरा मुआयना किए यहाँ का और यहाँ पर जो रात में गिरा ऊपर से छत अंदर कोई भी लोग नहीं थे, अगर लोग रहते तो उनकी जान को भी धोखा था। आज ये दौरा करने का मकसद यही है, हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदू मुस्लिम हर भाई का काम करती है और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे सेकुलर कायद हैं, हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करते हैं। आज यहाँ से घनश्याम भाई सदर मोहतरम को फ़ोन किए और सदर मोहतरम पार्लियामेंट का सेशन कल से है, दिल्ली में है, फिर भी मुझे हिदायत दिए कि आप फौरी जाइए, जाकर वहाँ पर देखकर रिपोर्ट दीजिए बोले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आया सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कॉरपोरेटर जफर खान साहब और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जाएगी। और एक इसकी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इंसानों के लिए काम करती है, ये नहीं देखती कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाइयों का काम करती है। यहाँ पर भी जो हादसा हुआ है ये हादसे की पूरी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जाएगी। Hidayah Group of Educational Institutions is one of the emerging brand in the field of education, has now established Hidayah Degree College, offering courses BBA, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls. Highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs, guest lectures by subject experts and much more. Admissions open, hurry up! Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehendipatnam, Hyderabad.